आपको शैतान को हराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु ने पहले ही इस पर विजय पा ली है और आपको जीती है। आज का हमारा वचन कहता है कि हम विजेताओं से अधिक हैं। आपका काम है केवल जीत के मैदान में खड़े होकर जीत को लागू करना। सबको जय मसीह की। मैं हूं अनु। आज का वचन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गुड न्यूज़ डेली डिवोशनल से है, डेली डिवोशनल जो मेरे आत्मिक माता और पिता प्रॉफेट यूबर एंजल और प्रॉफेटिस बेबी एंजल की तरफ से प्रकाशित है। आइए आज के दिन के वचन को हम पढ़ते हैं। दिन मंगलवार 4 दिसंबर, इसका शीर्षक है विजेताओं से अधिक। नए नियम से पढ़ेंगे रोमियों 8 उसकी 37 आयत को। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आज के कई विश्वासियों के विपरीत परमेश्वर के लिए आपको शैतान को हराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु ने पहले ही इस पर विजय पा ली है और आपको जीती है। आज का हमारा वचन कहता है कि हम विजेताओं से अधिक हैं। आपका काम है केवल जीत के मैदान में खड़े होकर जीत को लागू करना। यदि आप खड़े होकर जीत के मैदान में लड़ाई करते हैं, आप जीत के लिए लड़ते नहीं हैं। शैतान आपके धन पर हमला करेगा या शरीर में बीमारी के लक्षण पैदा करेगा। वह आपको विश्वास दिलाता है कि आपके पास चंगाई नहीं है। यही समय निर्णय लेना और घोषणा करने का है कि मैं ठीक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं जीत के मैदान पर खड़ा हूँ जिसे यीशु ने मुझे दिया है। शैतान पीछे हट। भविष्यवाणी की घोषणा करेंगे, आप मुझसे सुन सकते हैं और मेरे पीछे रिपीट भी कर सकते हैं। मैं एक विजेता से अधिक हूँ। यीशु ने मुझे पहले से ही जीत दी है। आज मैं जीत के मैदान में खड़ा हूँ। मैं यीशु के शक्तिशाली नाम में ठीक हूँ। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ेंगे एफिसियां 1:3 आयत को। सबको जय मसीह की। Condemn me, no. In your love I am secure.